हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे किचन में। आज मैं बनाऊंगी हलवाई जैसी टेस्टी खस्ता और रसीली चंद्रकला गुजिया। कई स्टेट्स में इसे दिवाली और कई स्टेट्स में इसे होली जैसे फेस्टिव सीजन में बनाया जाता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं यूनिक और स्वीट सी नाम वाली इस चंद्रकला को बनाना। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 250 ग्राम मैदा, मीठेपन को बैलेंस करने के लिए एक चुटकी नमक, मोयन के लिए घी और आधा कप गुनगुना पानी। सबसे पहले हमें चंद्रकला के लिए डो रेडी करना है। तो मैंने यहाँ पर मैदे को एक प्लेट में डाल दिया है। अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ नमक, बीच में स्पेस करेंगे। अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच घी, मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा घी कम लग रहा है तो 1 चम्मच घी मैंने और डाला है। तो हमारे यहाँ पर इस तरीके से एक मुट्ठी बननी चाहिए। तो ये मुट्ठी इजीली बन रही है और आसानी से टूट नहीं रही है, तो इसका मतलब है हमने जो ये मोयन डाला है बिल्कुल सही डाला है। अब मैं यहाँ पर धीरे धीरे पानी ऐड करूँगी और इसका ना ज़्यादा सॉफ्ट ना ज़्यादा हार्ड डो तैयार कर लूँगी। तो हमें यहाँ पर धीरे धीरे ही पानी ऐड करना है। तो मोयन डालने से जो हमारी ये चंद्रकला गुजिया है खस्ता बनेगी और सॉफ्ट बनेगी। तो इस डो को अच्छे से नीट करना भी बहुत जरूरी है ताकि इसे हम इजीली बेल सकें। तो यहाँ पर मैंने इस डो को रेडी कर लिया है। तो आधा कप से कम मैंने यहाँ पर पानी का यूज किया है इस डो को रेडी करने के लिए। तो अब मैं यहाँ पर इसे ढक दूंगी और 15 से 20 मिनट के लिए इस डो को रेस्ट करने दूंगी। जब तक हमारा डो रेस्ट करता है स्टफिंग बनाएंगे। तो स्टफिंग के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 200 ग्राम मावा या खोया, कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। तो सेंटर में मैंने यहाँ पर ली है 1 टेबल स्पून चिरौंजी, 12 किशमिश, 8 बादाम, 8 काजू, इन दोनों को बारीक कट कर लिया है, आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर और आधा कप सूखा गोला या सूखा नारियल, इसको ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। तो आप यहाँ पर अपने टेस्ट के हिसाब से ड्राई फ्रूट की क्वांटिटी रख सकते हो। तो इस स्टफिंग में मिठास के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 60 ग्राम या आधा कप पूरा। तो ये थोड़ा इस तरीके से दरदरा होता है। तो ये चीनी के कंपैरिजन में थोड़ा हेल्दी होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसका यूज़ किया है। आप इसकी जगह यहाँ पर पाउडर शुगर या पिसी चीनी का भी यूज़ कर सकते हो। गैस पर मैंने एक पैन रखा है। अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 चम्मच घी। तो यहाँ पर हमें सभी ड्राई फ्रूट को रोस्ट करना है। तो घी गर्म हो गया है, मैंने यहाँ पर ऐड किया है बारीक कटे हुए बादाम। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ बारीक कटे हुए काजू। तो ड्राई फ्रूट को रोस्ट करने से स्टफिंग में इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पर लो टू मीडियम रखा है। अब मैं यहाँ पर डाल दूंगी चिरौंजी, इसको भी मिक्स कर लेंगे। तो अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ किशमिश या रेजिन्स। लास्ट में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ नारियल। तो 3 से 4 मिनट का ही समय लगता है इन सभी को रोस्ट होने में। तो आप अपनी पसंद के यहाँ पर और भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हो। तो गैस का फ्लेम मैं अब यहाँ पर बंद कर लूंगी और इसको एक बोल में ट्रांसफर कर लूंगी। तो उसी पैन में अब मैं डाल रही हूँ मावा या खोया। तो यहाँ पर हमें मावे को रोस्ट करना है ताकि जो इसका कच्चापन है निकल जाए और ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। तो ये मावा मैंने घर में ही बनाया है। मावा बनाने की वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चाहो तो इसे वहाँ से चेक कर सकते हो। तो अगर आपके पास मावा कम है तो आप यहाँ पर 100 ग्राम सूजी और 100 ग्राम मावे से इस स्टफिंग को तैयार कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर मावे और सूजी को अलग अलग रोस्ट करना होगा।
तो गैस का फ्लेम मैंने यहाँ भी लो टू मीडियम रखा है, तो बहुत ज्यादा टाइम इसे रोस्ट होने में नहीं लगता है, 3 से 4 मिनट का ही समय लगता है। तो यहाँ पर मावा अच्छे से रोस्ट हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पर गैस का फ्लेम बंद कर लूंगी और इसमें ऐड करूंगी ड्राई फ्रूट, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये स्टफिंग अभी काफी गर्म है, इसको ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पर स्टफिंग को मैंने एक बोल में निकाल लिया है और ये ठंडी हो गई है। तो अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ इलायची पाउडर, इसमें ऐड करूंगी बूरा। तो जब स्टफिंग ठंडी हो जाए तभी आप यहाँ पर बूरा या पाउडर शुगर ऐड करें, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी ये चंद्रकला के लिए स्टफिंग तैयार हो गई है। अब हम इसके लिए चाशनी तैयार करेंगे। तो गैस पर मैंने एक कढ़ाई रखी है, अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 कप या 200 ग्राम चीनी। अब मैं यहाँ पर ऐड करूंगी 1/2 कप पानी। तो जितनी हम चीनी लेंगे उसका आधा हमें यहाँ पर पानी डालना है। तो यहाँ पर हमें इसकी एक चिपचिपी चाशनी तैयार करनी है। तो यहाँ पर हमारी चाशनी में उबाल आ गया है, अब मैं इसमें डालूंगी 1/4 चम्मच इलायची पाउडर और कुछ केसर के धागे। तो ये दोनों मैं यहाँ पर फ्लेवर के लिए डाल रही हूँ, केसर डालने से इसका कलर भी अच्छा हो जाता है। आप चाहो तो यहाँ पर केवड़ा एसेंस या फिर रोज एसेंस का भी यूज कर सकते हो, जो भी फ्लेवर आपको पसंद हो आप उसका यूज यहाँ पर कर सकते हो। यहाँ पर 4 मिनट का समय हो गया है और हमारी चाशनी काफी गाढ़ी हो चुकी है, तो इसे अब और ज्यादा नहीं पकाएंगे। तो गैस का फ्लेम मैं अब यहाँ पर बंद कर लूंगी। डो की तरफ चलते हैं, एक बार डो को अच्छे से नीट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसकी लोइयां तोड़ रही हूँ इस तरीके से। यहाँ पर मैंने इसकी सभी लोइयां तोड़ ली हैं, इसको ढक देंगे ताकि ये ड्राई ना हो। तो यहाँ पर एक लोई लेंगे और चकले को थोड़ा सा घी से ग्रीस कर लेंगे। तो अब मैं यहाँ पर इसकी एक मीडियम साइज की रोटी बेल रही हूँ। तो हमें यहाँ पर ना ज्यादा मोटी और ना ज्यादा पतली रोटी बेलनी है। तो चंद्रकला बनाने के लिए हमें एक ही साइज की रोटी बेलनी होती है। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके की एक कटोरी ली है। तो कटोरी हमें यहाँ पर ऐसी लेनी है जिसके किनारे थोड़ा शार्प हों। तो यहाँ पर हमारी ये दो रोटियां एक ही साइज की बनकर रेडी हो गई हैं। एक्स्ट्रा पोर्शन को मैं हटा दूंगी। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पर सभी रोटियां बेल लूंगी। तो अगर आप चाहो तो और बड़ी रोटी यहाँ पर बेल सकते हो, तो आपके यहाँ पर 3 से 4 रोटी एक ही बार में बन जाएगी। यहाँ पर मैंने सभी रोटियां बेल ली हैं, ये ड्राई ना हो तो इसलिए मैं यहाँ पर इसे एक कपड़े से ढक दूंगी। तो यहाँ पर एक रोटी लेंगे, इसके ऊपर रखेंगे स्टफिंग, थोड़ा इसे फैला लेंगे। तो यहाँ पर मैं 1 चम्मच स्टफिंग भर रही हूँ, हमें स्टफिंग ना ज्यादा कम और ना ज्यादा भरनी है। तो अब मैं इसके किनारे में लगा दूंगी पानी। तो यहाँ पर पानी लगाना जरूरी है ताकि दोनों रोटियां आपस में अच्छे से चिपक जाएं। तो अब इसके ऊपर मैं रख रही हूँ दूसरी रोटी। किनारों से अच्छे से इस तरीके से प्रेस कर लेंगे। तो ऐसा प्रेस करने से पैटर्न के लिए भी जगह बन जाएगी और अच्छे से ये आपस में चिपक जाएंगी। तो इसे मैं यहाँ पर हाथ में लूंगी और पैटर्न बना लूंगी। तो हमें यहाँ पर इसे इस तरीके से ऊपर से उठाते हुए
ट्विस्ट करते जाना है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर हमारा ये पैटर्न बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक चंद्रकला बनाकर तैयार कर ली है, दूसरी भी इसी तरीके से तैयार कर लूंगी। तो रोटी लेंगे, इसके ऊपर रखेंगे स्टफिंग, फैलाएंगे थोड़ा, किनारों में अच्छे से पानी लगा लेंगे। दूसरी रोटी इसके ऊपर रखेंगे और अच्छे से इसे किनारे से प्रेस कर लेंगे। इसे हाथ में लेंगे और पैटर्न बना लेंगे। तो आप कहीं से भी इस पैटर्न को स्टार्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से ऊपर मोड़ते हुए और इसे ट्विस्ट करते हुए हमें बनाते जाना है। तो बहुत इजी है ये पैटर्न बनाना। तो देखिए यहाँ पर दूसरी चंद्रकला भी बनकर रेडी हो गई है। इसको बनाने का एक दूसरा और आसान तरीका भी है। तो मैंने यहाँ पर एक रोटी के ऊपर स्टफिंग रखी है, किनारे से इसे इस तरीके से पानी से गीला कर लेंगे। अब इसके ऊपर दूसरी रोटी रखेंगे, अच्छे से साइड से प्रेस कर लेंगे। अब मैं यहाँ पर इसे फोक की मदद से इस तरीके से डिजाइन बना लूंगी। तो अगर आपको पैटर्न बनाना मुश्किल लग रहा है तो आप इस तरीके से भी इसे तैयार कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारी ये एक गुजिया बनकर तैयार हो गई है। तो अब मैं यहाँ पर इसका एक तीसरा तरीका है उससे भी आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर मैं एक रोटी बेल रही हूँ मीडियम साइज की। तो अगर आपके पास इस तरीके का कोई सांचा है तो आप इसमें भी बना सकते हो। तो सांचे को मैंने पहले अच्छे से घी से ग्रीस कर लिया है, इसके ऊपर रखी है रोटी। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ स्टफिंग। तो बहुत ज्यादा स्टफिंग हमें यहाँ पर नहीं भरनी है। तो अच्छे से इसको इस तरीके से प्रेस कर लेंगे, साइड का ये एक्स्ट्रा पार्ट हटा देंगे। अच्छे से प्रेस करना यहाँ पर इसे जरूरी है। खोलेंगे और इसको आराम से निकाल लेंगे और साइड से अच्छे से प्रेस कर लेंगे। तो आप किसी भी तरीके से इस गुजिया को तैयार कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने कुछ गुजिया बनाकर रेडी कर ली है और इसे ढककर रखा है ताकि ये ड्राई ना हो। तो गैस पर मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पर हमें मीडियम गरम तेल चाहिए। तो तेल यहाँ पर मीडियम गरम हो चुका है, इसमें मैं डाल दूंगी गुजिया। तो यहाँ पर मैं एक बैच में तीन ही गुजिया डाल रही हूँ। गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पर लो टू मीडियम रखा है। तो यहाँ पर मैं इसे लाइट गोल्डन फ्राई करूंगी। तो दूसरी साइड इसे पलट लेंगे। तो बहुत कम समय में ये फ्राई होकर तैयार हो जाती हैं। तो इसे अच्छे से हमें उलटते पुलटते हुए फ्राई करना है। तो यहाँ पर देखिए हमारी ये चंद्रकला गुजिया फ्राई हो चुकी हैं। तो इन्हें मैं डायरेक्ट डाल दूंगी चाशनी में। चाशनी को मैंने थोड़ा गर्म कर लिया है। तो अगर आपकी चाशनी ठंडी हो गई है तो पहले आप यहाँ पर चाशनी को गर्म कर लें। तो यहाँ पर मैं इसे कुछ सेकंड के लिए ही इस चाशनी में डुबो कर रखूंगी। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप इसे एक मिनट के लिए भी रख सकते हो। तो एक मिनट से ज़्यादा आप इसे मत रखें क्योंकि ये काफ़ी मीठी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने इसे कुछ सेकंड के लिए ही रखा है। अब मैं यहाँ पर इसे एक प्लेट में निकाल लूंगी। अब मैं यहाँ पर दूसरे बैच की भी गुजिया फ्राई कर लूंगी। तो हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि लो टू मीडियम फ्लेम पर ही इसे फ्राई करना है। बहुत जल्दी ये फ्राई हो जाती हैं। तो फ्राई करते ही डायरेक्ट हम इसे डाल देंगे चाशनी में। चाशनी हमारी यहाँ पर गरम होनी चाहिए।
तो देखिए तैयार है हमारी ये चंद्रकला गुजिया। तो यहाँ पर मैंने इसे गार्निश किया है बारीक कटे पिस्ते से। आप चाहो तो इसके ऊपर चांदी का वर्क भी लगा सकते हो। तो 250 ग्राम मैदे से मैंने यहाँ पर 13 से 14 चंद्रकला गुजिया बनाकर रेडी कर ली हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। मैं आशा करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में।